अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए फोर्थ ईयर की एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेकर आया हूँ जी। हमारा पहला जो चैप्टर है मॉडर्न इंग्लिश एसेस का, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में से पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटीज़ लाजमी एक ना एक क्वेश्चन देती हैं। प्यारे दोस्तों, मैंने दूसरे YouTube चैनल्स की तरह से काम नहीं किया कि सिर्फ आपको चंद हेडिंग्स बताकर दो तीन लाइनें उनके बारे में बताऊं और बात ख़त्म कर दूं और फिर आपको अकेला छोड़ दूं कि जो दिल करे आप वो ग्रामर ले लें और उसमें से देखकर आप याद कर लें। इस तरह नहीं किया, ना ही ऐसे किया है कि कोई एक आध सवाल को टच करके और बाकी पूरे चैप्टर को ही मैंने मिस कर दिया है और ये दावा किया है कि जनाब यही आना है। ऐसा मैंने नहीं किया है। मैंने चैप्टर के तमाम पहलुओं को प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स की सूरत में मुरतब किया हुआ है और मैं ये अपने जो चैप्टर है आपका, इसको मैं दो हिस्सों में आपके सामने पेश करूंगा। एक हिस्सा मैं आज करूंगा और एक हिस्सा दूसरा जो इसका हिस्सा होगा वो भी इंशाल्लाह जल्दी आपके सामने मैं पेश करूंगा। तो इसमें मज़े की बात यह है प्यारे दोस्तों कि चाहे एक हिस्सा हो, दो हो, दस हो, मैंने जो इसमें आपके लिए आसानी वाला काम किया हुआ है वो ये है कि मैंने तमाम जवाबात का जो इंट्रोडक्शन है वो एक ही बना दिया है, तमाम जवाबात का जो रिज़ल्ट है, कंक्लूजन है, लास्ट पैराग्राफ है वो भी एक ही बनाया है। सिर्फ दरमियान में आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग याद करनी है, अदरवाइज़ कोई भी सवाल आ जाएगा तो आपने एक ही इंट्रोडक्शन लिखना है, एक ही कंक्लूजन यानी नतीजा लिखना है, यानी एक ही पहला पैराग्राफ और एक ही आखिरी पैराग्राफ और बस दरमियान में थोड़ी बहुत चेंजिंग आपको करनी है। और अगर मिसाल के तौर पर आपको दरमियान में चेंजिंग भूल भी जाए तो आप सिर्फ इंट्रोडक्शन और वो कंक्लूजन को ही अगर लिखाएं, मतलब बहुत ही कोई मजबूरी है और आप सारा काम नहीं कर सके तो फिर कम से कम आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को लिखाएंगे तो बात इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। तो चलते हैं जनाब हम अपने चैप्टर के पहले पार्ट की तरफ। पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड है ये लेसन जो है, ये हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने जो अमेरिका में अपना पहला दौरा किया था, उस दौरे में उन्होंने कैंसस यूनिवर्सिटी अमेरिका का दौरा किया था। वहाँ पर उन्होंने एक स्पीच की थी, उस यूनिवर्सिटी ने इनको एजाजी डिग्री भी दी थी और इन्होंने वहाँ पर जो स्पीच की वो बहुत ही कमाल की स्पीच की और इसमें उन्होंने पाकिस्तान बनने की सारी स्ट्रगल, सारी मूवमेंट, मुसलमानों की तहरीकें, उनकी फिर आज़ादी हासिल करने की ज़रूरत क्यों थी, फिर अपनी तमाम वो चीज़ें उनके सामने पेश की और ये साबित किया कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो दुनिया का अमन हमेशा ख़तरे में ही रहता। तो इंट्रोडक्शन है जनाब, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ एन एड्रेस ऑफ लियाकत अली खान विच ही डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस अमेरिका इन 1950। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जी ये जो सबक है ये दरअसल लियाकत अली खान की तकरीर है जो उन्होंने कैंसस यूनिवर्सिटी अमेरिका में की थी 1950 में। इन हिज एड्रेस ही टेल्स अमेरिकन्स द पर्पस एंड प्रोसेस ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। इस एड्रेस में, इस खिताब में वो अमेरिकियों को पाकिस्तान बनने का मकसद और तरीक़ाकार बताते हैं। ही ऑल्सो शेयर्स विद दैम द डिफ़िकल्टीज दैट पाकिस्तानीज फेस्ड राइट आफ्टर गेटिंग ए सेपरेट होमलैंड। और वो उनके साथ ये भी शेयर करते हैं कि पाकिस्तान यानी एक अलग वतन हासिल करते ही पाकिस्तानियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाई एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ मुस्लिम्स फ्रीडम मूवमेंट्स, लियाकत अली प्रूव्स दैट क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हैज सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम अ परपेचुअल डेंजर जोन इन एशिया। मुसलमानों की आज़ादी की जिदोजहद की नौइयत को एक्सप्लेन करते हुए लियाकत अली खान दुनिया को साबित कर देते हैं कि जो पाकिस्तान की तख्लीक है उसने दुनिया को एशिया में मौजूद एक मुस्तकिल ख़तरनाक इलाके से बचाया है। यानी अगर पाकिस्तान बना है तो जो एशिया में मुस्तकिल लड़ाई की जगह बनी हुई थी एक यूनाइटेड इंडिया, दुनिया को उससे निजात मिल गई। बाय ड्राइंग सम स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आस्क्ड अमेरिका एंड द मॉडर्न वर्ल्ड टू सपोर्ट न्यू बॉर्न डेमोक्रेसीज लाइक पाकिस्तान। अमेरिका और पाकिस्तान में कुछ मुश्तरक पॉइंट्स सामने लाते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यानी लियाकत अली खान ने अमेरिका और जदीद दुनिया से रिक्वेस्ट की है कि आप नए जो जमहूरी कुवतें हैं, जैसे नए जमहूरी जो ममालिक हैं जैसे कि पाकिस्तान है, उसकी मदद करें। ये है जनाब इसका इंट्रोडक्शन। और अब हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ। इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल किसी न किसी शक्ल में पंजाब यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पर आ रहा होता है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी इसको छोड़ती नहीं।
सर्कमस्टांसिस लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, वो हालात जिन जो पाकिस्तान की तख्लीक की वजह बने, ये प्रॉपर एक आंसर की सूरत में मौजूद है। आप इसको प्रॉपर इसी तरह से तैयार करेंगे और वहाँ पे एग्जाम में लिखेंगे। लियाकत अली खान टेल्स अमेरिकन्स दैट मुस्लिम्स वर अ माइनॉरिटी इन यूनाइटेड इंडिया वाइल द हिंदूज वर इन मेजॉरिटी। लियाकत अली खान अमेरिकियों को बताते हैं कि मुसलमान यूनाइटेड इंडिया में एक अकलियत थे जबकि हिंदू जो थे वो मेजॉरिटी में थे। यानी एक अंदाजे के मुताबिक मुसलमान उस वक्त इंडिया में 1 करोड़ के करीब थे और हिंदू 3 करोड़ थे। ये अच्छी खासी मतलब है कि अच्छा खासा फ़र्क था। एंड देर वॉज नथिंग कॉमन बिटवीन द टू, और दोनों कौमों में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं थी। इनॉर्मस डिस्पैरिटीज़, बहुत बड़े बड़े फ़र्क रिलेटिंग टू रिलीजन, इकोनॉमिक सिस्टम एंड सोशल सिस्टम वर स्टैंडिंग बिटवीन द टू। बहुत बड़े बड़े फ़र्क जिनका ताल्लुक मज़हब से था, मुआशी निज़ाम से था, समाजी निज़ाम से था, दोनों कौमों के दरमियान में खड़े थे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, मुस्लिम बिलीव्ड इन वन गॉड एंड हिज प्रॉफिट्स वल हिंदूज बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स एंड नन ऑफ द प्रॉफिट्स। मुसलमान एक खुदा पे और पैगम्बरों पे यकीन करते थे, हिंदू किसी पर भी नहीं करते थे। मतलब हिंदू बहुत सारे खुदाओं पे और पैगम्बरों में से किसी पर भी बिलीव नहीं करते थे, उनके यहाँ पैगम्बराना सिस्टम ही नहीं है। इन द सेम वे द हिंदूज बिलीव्ड इन द कास्ट सिस्टम वेल मुस्लिम्स हैड फेथ इन द इक्वालिटी ऑफ मैन। बिल्कुल ऐसे ही हिंदू जो थे वो जात पात के निज़ाम पे यकीन करते थे, मुसलमान जो थे वो इंसान की बराबरी मुसावात पे यकीन करते थे। दी मुस्लिम्स बिलीव्ड इन सर्कुलेटिंग वेल्थ वेल द हिंदूज डिड नॉट बॉदर अबाउट अनअर्नड एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ। मुसलमान जो थे वो दौलत की गर्दिश पे बिलीव करता था कि जी दौलत गर्दिश करती रहे, चंद हाथों में मुर्तकिज ना हो, जबकि हिंदू जो थे उनको कोई परेशानी नहीं होती थी अगर दौलत बगैर कमाई हुई भी पास आ जाए। यानी कि बगैर कमाई हुई दौलत में ज़ाहिर सूद आ जाता है तो वो उसके खाने में भी उनको कोई आर नहीं थी। मोर ओवर मुस्लिम्स फियर्ड अ ग्रेट इकोनॉमिक सेटबैक एट द हैंड्स ऑफ हिंदूज इवन इफ द ब्रिटिश वुड लीव इंडिया। मज़ीद ये कि मुसलमानों को एक बहुत बड़े मुआशी धचके का ख़तरा भी था अगर अंग्रेज़ इंडिया से निकल भी जाता। यानी अगर इंडिया से अंग्रेज़ निकल भी जाता तो बाकी जो कौम बचती थी, जो मेजॉरिटी में थी, वो थी हिंदू, और फिर ज़ाहिर है हिंदू ही तमाम मामलात के मालिक होते, तो मुसलमानों को मुआशी तौर पर भी इस्तेहसाल का ख़तरा था कि जी मुआशी तौर पर भी हमें ये हिंदुओं से पीछे ही रहना पड़ेगा। सो दीज डिफरेंसेस नेवर लेट द टू नेशंस लिव टुगेदर पीसफुली एंड दे हैड टू गेट सेपरेटेड। लिहाजा ये जो इख्तलाफात थे उन्होंने कभी भी दोनों कौमों को इकट्ठे नहीं रहने दिया और उनको अलग होना ही पड़ा। ये हो गया जनाब पहला सवाल ख़त्म। अब दूसरा, सिमिलैरिटीज बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान में कुछ मुश्तरक पॉइंट। इन हिज पावरफुल स्पीच एंड कैंसस यूनिवर्सिटी अमेरिका, लियाकत अली खान ड्रॉ सम सिमिलर पॉइंट्स बिटवीन सम सिमिलैरिटीज बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका। कैंसस यूनिवर्सिटी अमेरिका में स्पीच देते हुए लियाकत अली खान अमेरिका और पाकिस्तान में कुछ सिमिलैरिटीज़ बताते हैं। कौन कौन सी देखते हैं जी, कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं। फर्स्टली अमेरिका, ठहरिए ज़रा, ये है जी। फर्स्टली लियाकत अली खान टेल्स अमेरिकन दैट बोथ पाकिस्तान एंड अमेरिका स्टार्टेड देयर जर्नी टुवर्ड्स प्रोग्रेस एज एग्रीकल्चरल कंट्रीज। लियाकत अली खान बताते हैं अमरीकियों को कि पाकिस्तान और अमेरिका ने तरक्की की तरफ अपना सफ़र ज़रई ममालिक के तौर पे शुरू किया था। बोथ हैव सेल्फलेस एंड डेडिकेटेड लीडर्स, दोनों के पास ही बड़े बेलॉस काम करने वाले और डेडिकेटेड बड़े लगन के साथ काम करने वाले लीडर्स हैं। हु विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू प्रमोट पीस एंड प्रोग्रेस इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। जो कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे अपने अपने ममालिक में अमन और तरक्की के फरोग में। मतलब दोनों के पास ही बहुत अच्छे लीडर्स हैं जो अमन और तरक्की के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सेकेंडली, पाकिस्तानीज आर ऑल्सो पीस लविंग एंड हार्ड वर्किंग पीपल। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानीज भी बहुत ही अमन पसंद और मेहनती लोग हैं। दे बिलीव्ड इन डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड सिविल लिबर्टीज़। उनका भी ईमान है जमहूरियत पे, कानून की बालादस्ती पे और शहरी आज़ादियों पे। लास्टली, जो दोनों के दरमियान में मुश्तरक चीज़ है, लास्टली द पाकिस्तानी पीपल फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ अमेरिकन्स हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन मॉरल वैल्यूज़। आखिरी अगर बात करें तो पाकिस्तानी कौम का भी अमरीकियों के नक्शे कदम पर चलते हुए स्ट्रॉन्ग फेथ है, बहुत ज़्यादा वो भी मानते हैं मॉरल वैल्यूज़ को, यानी कि इखलाकी कदरों को। यानी जैसे अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा मानते हैं, इस तरह पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा मानते हैं।
दे आर डिटर्मेंड टू प्रमोट पीस एंड हैप्पीनेस टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और वो उनका मुसम्मम इरादा है कि दुनिया में अमन और खुशी को फैलाया जा सके। ये हैं जनाब दोनों के दरमियान मुश्तरक चीज़ें, कोई मिस होगी हो तो आप बैक करके सुन सकते हैं। रोल ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, अब लियाकत अली खान अमेरिका को और जदीद दुनिया को ये भी बताते हैं कि नए मुल्क जो हैं वो अमेरिका से और जदीद दुनिया से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, जदीद दुनिया का किरदार क्या हो सकता है। इन हिज स्पीच टू द अमेरिकन्स, लियाकत अली खान रिमाइंड्स देम ऑफ द ग्रेट रोल दैट अमेरिका एंड द मॉडर्न वर्ल्ड हैव टू प्ले फॉर द न्यू बॉर्न अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। अपनी तकरीर में लियाकत अली खान अमेरिका को और जदीद दुनिया को उस किरदार के बारे में भी बताते हैं जो उन्होंने नए पसमानदा ममालिक के लिए प्ले करना है। ही एक्सप्रेसेस फॉलोइंग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अमेरिका एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये जनाब नीचे दी गई हैं वो तवक्कुआत जो वो अमेरिका से और जदीद दुनिया से रखते हैं। मसलन नंबर वन, लियाकत अली खान टेल्स अमेरिकन्स दैट न्यू बॉर्न कंट्रीज लाइक पाकिस्तान हैव टू फाइट पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। लियाकत अली खान अमेरिका को बताते हैं कि जो नए ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान है, इनको फाइट करनी है गुर्बत से, जहालत से, और ज़राए के कम होने से या ज़राए के बिल्कुल ना होने से। एंड वेल इस्टेब्लिश कंट्रीज लाइक अमेरिका कैन डू अ लॉट इन लेसनिंग देयर प्रॉब्लम्स, और जो मुस्तहकम ममालिक हैं जैसे कि अमेरिका है, उनकी प्रॉब्लम्स कम करने में बहुत कुछ कर सकते हैं। सेकेंडली, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पॉइंट्स आउट द फैक्ट दैट देर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वेल डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। द रिच कंट्रीज शुड, उसके बाद वो बताते हैं जनाब कि अमेरिका और पाकिस्तान के रहन सहन में, मेयार ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। द रिच कंट्रीज़ शुड डू देयर बेस्ट टू ब्रिज ओवर दिस ह्यूज कॉस्म, और अमीर ममालिक को चाहिए कि वो अपनी भरपूर कोशिश करें कि इस बड़े फ़र्क को वो ख़त्म कर दें। थर्डली, लियाकत अली खान टेल्स अमेरिकन्स द ट्रू डेमोक्रेसी इज़ इंटरनेशनल इन इट्स एसेंस। लियाकत अली खान अमेरिका को बताते हैं कि जो असल जमहूरियत होती है ना, वो अपनी नौइयत में, अपनी असल में वो इंटरनेशनल होती है। अमेरिका शुड हेल्प पाकिस्तान इन मेंटेनिंग इट्स डेमोक्रेटिक स्पिरिट। अमेरिका को चाहिए कि पाकिस्तान की मदद करे कि वो अपनी जमहूरी रूह को ज़िंदा रखे। एंड अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक पाकिस्तान विल डू अ लॉट इन इंश्योरिंग वर्ल्ड पीस, और अगर पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग जमहूरियत रखेगा तो वो दुनिया के अमन में भी बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। Lastly, developed countries like America are well established in the field of science and technology. जो अच्छे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जैसे कि अमेरिका है, इनकी जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, इसमें इस मैदान में इनकी बड़ी तरक्की है। They must share their rich treasure of knowledge, skill and experience with newborn democracies. इनको चाहिए कि ये अपने इल्म, महारत और तजर्बे को नए जमहूरी ममालिक के साथ शेयर करें, टू हेल्प देम स्टैंड ऑन देयर ओन, ताकि ये ममालिक भी अपने पांव पे खड़े हो सकें। तो ये है जनाब आपका एंड ऑफ पार्ट वन। याद रहे अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया है और इन सवालात का मतलब दरमियान में जो चीज़ आनी है वो पढ़ाई है। अभी मैंने किसी भी क्वेश्चन का आपको एंड नहीं पढ़ाया। जब मैं आपको इस चैप्टर के दूसरे पार्ट की तरफ लेकर जाऊँगा जो लास्ट पार्ट होगा, तो फिर मैं आपको वो यूनिवर्सल इंट्रोडक्शन भी बताऊंगा जो आप हर जवाब के एंड पे लिखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मेरी नेक्स्ट जो वीडियो है जो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट होगा वो भी जल्द ही इंशाल्लाह ताला मैं अपलोड करूंगा। याद रहे कि मैंने डंग टपाओ टीचर्स की तरह काम नहीं करना, मैंने इस चैप्टर की प्रॉपर इंशाल्लाह आपको तैयारी करवानी है, तो लिहाजा आप भी मेरे साथ साथ तैयारी करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। याद रहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।